तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिटिंग अड्डे पर। तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम पबजी से रिलेटेड मतलब एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक है। एंड मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कैसे आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की एडिटिंग होने वाली है। एंड मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है उन लोगों के लिए जिनको फोटो एडिटिंग मतलब फ़ोन से करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है या जिनको फोटो एडिटिंग नहीं आती है। तो आप उस सीरीज़ को जाकर देखना, आपको उसका लिंक ये ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट के ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। तो इसके अंदर बहुत सारी PNGs वगैरह का यूज़ होगा, तो मैं इसको ऐड फोटो में नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ से क्लियरिटी लॉस हो जाएगी। तो इसके लिए हमें ड्रॉ टूल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ टूल में आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सिंपली ये बैकग्राउंड आ चुका है ड्रॉ टूल के अंदर। एंड यहाँ पे ऐड लेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड लेयर पे जाएंगे एंड फोटो लेयर में जाके अपनी पिक को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पिक यहाँ पे आ चुकी है। तो ये अच्छे से एडजस्ट नहीं है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा मैं अपने मतलब जिस तरह मेरे को एडिट करना उस हिसाब से मैं इसका साइज़ रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया एंड फिर से ऐड फोटो लेयर में जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ से आपको एक और ये PNG मिल जाएगी जिसमें शूज़ और टाई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी कॉपी बना लेनी है, 2 कॉपी और बना लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी 2 कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। 2 कॉपी बन जाने के बाद टोटल ये 3 लेयर हो जाएंगी, मतलब शूज़ वाली और टाई वाली। तो इन 2 का तो मैं सी ऑफ कर दूंगा एंड जो एक लेयर को सेलेक्ट करूंगा जिसका सी ऑन है एंड उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करके पहले मैं जो शूज़ है उसको एक लेग पे मतलब अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे ये एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे इरेजर पे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से मैं ये हार्ड वाला इरेजर लेके एंड जो दूसरा शूज़ और टाई का PNG है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इस टाई को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आपको इस तरह से मतलब शूज़ और टाई की PNG को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये हो चुका है एंड इसके बाद से मैं दूसरे वाले जो लेयर है उसका सी ऑन कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको भी उस पर सेलेक्ट करूंगा पहले मैं, ठीक है। एंड 3 डॉट पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कर लूंगा एंड इसको भी मतलब टाई और दूसरा शूज़ रिमूव कर दूंगा। इसी तरह टाई को भी लगा लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो शूज़ और टाई की PNG लग जाने के बाद से हम अपनी मॉडल की लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड जो ये लेग के पास से जो एक्स्ट्रा पार्ट जो निकला हुआ है मतलब बाहर दिख रहा है उसको इरेजर सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारी लेयर को मैं पहले मर्ज कर देता हूँ, ये जो शूज़ और टाई की जो लेयर थी इन सबको मैं मर्ज कर देता हूँ मॉडल की लेयर के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 ही लेयर है, मॉडल की और बैकग्राउंड की। तो हम जो भी मर्ज करेंगे वो मॉडल की लेयर के साथ ही मर्ज करेंगे, ठीक है। तो फिर से ऐड लेयर में जाएंगे एंड फोटो लेयर में जाके और ये बेल्ट का एक PNG आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो पबजी का जो मॉडल होता है उसमें जो ये बेल्ट लगी रहती है, ठीक है। तो वो उस बेल्ट का सबका मतलब PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसको लेके आना है, ठीक है। एंड इसको भी ट्रांसफॉर्म करके अच्छे से अपने मतलब कमर के पास इसको लगा लेना है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से लगा लेता हूँ, पहले तो एक बार देख लेता हूँ कहाँ पर सही लग रहा है ये। तो बेल्ट वाली लेयर अच्छे से लग जाने के बाद से हम फिर से ऐड लेयर पे क्लिक करेंगे एंड फोटो लेयर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पबजी का जो मॉडल होता है उसका जो हैंड होता है उसका PNG आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको लेके आना है, ठीक है। एंड उसको भी लाकर यहाँ पे अपने मतलब अपने हैंड के ऊपर इसको लगाएंगे, ठीक है। वैसे तो सभी PNG और मतलब बैकग्राउंड का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप मेरे वेबसाइट पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस यहाँ पे इस हैंड को भी अच्छे से इसको मतलब ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ये अच्छे से यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो जो पार्ट जो एक्स्ट्रा जो मतलब आ रहा है मतलब जो इस मॉडल वाले हैंड का जो आ रहा है उसको मैं पहले क्या करूँगा, रिमूव करूँगा जो पबजी वाला मॉडल का लेयर मतलब मॉडल वाले हैंड का जो है। तो पहले मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा, ठीक है, एंड इसको अच्छे से रिमूव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसको मैं अच्छे से रिमूव कर लेता हूँ। आप इसको बिल्कुल आराम से करना है क्योंकि जितने आराम से और जितने अच्छे से करोगे वो उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। तो मैंने इसको अच्छे से रिमूव कर लिया, ठीक है, एंड इसकी ओपेसिटी को भी फुल कर दिया। फिर मैं मॉडल की लेयर को मतलब अपनी फोटो वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा एंड जो मेरा हैंड है उसको मैं रिमूव कर दूँगा पूरा, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं लग रहा तो उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से ये रिमूव जाने के बाद से देखिए अभी हैंड का कलर मैच नहीं हुआ है मेरे स्किन के साथ, वो मैं बाद में करूँगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद से आपको इन सभी लेयर को मतलब मॉडल की लेयर के साथ मर्ज कर देना है क्योंकि थोड़ा स्लो वर्क करने लग जाता है, ज़्यादा लेयर हो जाती है तो पिक्सआर्ट के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद से ऐड लेयर पर जाएंगे एंड फोटो लेयर पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको AKM की PNG मिलेगी, ठीक है, जो मतलब बैग के पास जो पबजी में आपने देखा होगा, जो पबजी का जो मॉडल होता है उसके बैग के पास AKM की मतलब PNG होती है, मतलब AKM लगी होती है, तो वाली AKM हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे अपने मॉडल के पास मतलब कंधे के ऊपर यहाँ पे ला के इसको मतलब ट्रांसफॉर्म करके लगा लेता हूँ, ठीक है, एंड राइट कर दूंगा। एंड इस लेयर को मैं मॉडल के नीचे रखूँगा, ठीक है, एंड मॉडल के लेयर को सिलेक्ट करेंगे अब हम, एंड यहाँ से मैं पहले मॉडल के लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, एंड इसको कर दूँगा मर्ज, मतलब मर्ज कर दूँगा इस मतलब PNG को भी मॉडल के साथ मर्ज कर दूँगा। एंड फिर से ऐड फोटो लेयर पर जाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ से आपको कार 98 की जो PNG है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको AWM लगाना है तो मैं AWM की भी PNG वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कार 98 को भी मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म करूँगा 3 डॉट पे क्लिक करके, ठीक है, एंड यहाँ से इसको अच्छे से यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सही लग रहा है, इसकी ओपासिटी को मैं कम करूँगा, ठीक है, एंड जो एक्स्ट्रा जो पार्ट जो मेरे हैंड के ऊपर आ रहा है कार 98 का, उसको मैं रिमूव कर दूँगा इरेजर सेलेक्ट करके। तो मैंने यहाँ से इरेजर सेलेक्ट कर लिया, एंड इसको मैं जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। तो जो भी रिमूविंग का काम होता है वो आप बिल्कुल स्लो मतलब करें, ठीक है, क्योंकि क्योंकि अच्छे से रिमूव होगा तो वो नेचुरल फील देता है, मतलब रियल लगता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना मेरा सब कुछ हो चुका है, ठीक है, एंड यहाँ से मैं एक इम्पिटी लेयर लूँगा क्योंकि मेरे को शेडो भी क्रिएट करनी है, ठीक है, एंड ब्रश पे सेलेक्ट करेंगे और ये सॉफ्ट वाला ब्रश हम सेलेक्ट कर देंगे और इसकी ओपासिटी को कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे शेडो बनाता हूँ हल्का हल्का, ठीक है, तो मैं शेडो भी मैंने फास्ट कर रखा है, मैंने शेडो क्रिएट कर लिया था, फिर इसकी ओपासिटी को कम कर दिया, ठीक है, एंड फिर से एक और फोटो लेयर लिया, फिर एक और मैंने शेडो बनाया मतलब शूज़ के ऊपर की तरफ से, ठीक है। तो मतलब जितनी लेयर बना के आप शेडो क्रिएट करोगे वो उतना ही ज़्यादा रियल लगता है, मतलब मतलब पहले शूज़ के नीचे एंड फिर मॉडल के ऊपर, मतलब इस तरह से आप शेडो क्रिएट करें, ठीक है। और अगर आपको शेडो क्रिएट नहीं करनी आती तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी एडिटिंग इतनी तो हो चुकी है, मैं राइट कर दूंगा, एंड अब जो हैंड का जो मतलब कलर था हम उसको बॉडी के कलर के साथ मर्ज करेंगे, ठीक है, मतलब उसको भी हमें असली टाइप का करना है कि ये हमारा ही हैंड है। तो एडजस्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्रॉप वाले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड एडजस्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ से ब्राइटनेस को मैं देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा माइनस कर दूंगा, ठीक है, एंड उसके बाद से हम चलते हैं कॉन्ट्रास्ट पे, इसको भी मैं थोड़ा माइनस ही रखूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा था। एंड यहाँ से सैचुरेशन में जाके वो थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज है तो मैं इसको भी थोड़ा कम और मतलब कर दूंगा, इसका सैचुरेशन कम कर दूंगा, एंड ह्यू को थोड़ा रेड की तरफ रखूँगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद से यहाँ पे इरेजर पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद से ब्रश को सेलेक्ट करके सिंपली जो हैंड है जो हमने मतलब जो पबजी वाला हैंड लगाया था ओनली उसके ऊपर ये पेंट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा बॉडी का कलर है उसके साथ ये थोड़ा मर्ज हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये अभी से थोड़ा मर्ज हो चुका है इसमें, ठीक है, मेरी बॉडी के साथ ये हैंड मतलब मर्ज हो चुका है, बिल्कुल लग रहा है कि ये मेरा ही हैंड है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद से एक बार फिर से मैं एडजस्ट में जाऊँगा, ठीक है, एंड इस बार क्या करूँगा, मैं जो मेरे पैंट का कलर और मेरे जो ये बैग का जो ये रिब है इनको मैं थोड़ा डार्क करूँगा, मतलब ब्लैक करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से ब्राइटनेस और ये कॉन्ट्रास्ट इनको मतलब इनको देख लेता हूँ, मतलब ब्लैक करूँगा, मतलब देख लो आप क्या क्या वैल्यू रखी है मैंने, ठीक है, तो वो वैल्यू आप भी रख के, वैसे आप ब्लैक पैंट मतलब पहन के फ़ोटो खींचेंगे तो आपको कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पे थोड़ा एक ग्रीनिश मतलब टाइप का था तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया, ठीक है, एंड इसको राइट कर दिया मैंने, मतलब जितना मेरे को चाहिए था मैंने इतना, एक बार ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ और थोड़ा डार्क हो जाएगा। एंड उसके बाद से मैं अपने हेयर पे भी कर दूंगा क्योंकि मेरा हेयर में थोड़ा लाइट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़्यादा ब्लैक नहीं दिख रहा है। तो ये ओनली मैंने ब्लैक करने के लिए ही इसको यूज़ किया, अगर आपकी फ़ोटो में पहले से ब्लैकनेस है तो मत करना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने राइट कर दिया। तो इतना हो जाने के बाद से हम फिर से ड्रॉ टूल में जाएंगे, यहाँ से ड्रॉ टूल में जाएंगे, ठीक है, एंड कुछ PNGs और है वो लगाते हैं हम, ऐड फोटो में जाएंगे, ठीक है, ऐड लेयर में जाएंगे और यहाँ पे इस बुलेट की PNG को लगा दिया, फिर ऐड लेयर में जाएंगे एंड यहाँ से ऐड फोटो में जाके यहाँ पे ये वाला PNGs को भी लगा देंगे, ब्लर PNG जो भी आप कह दो, एंड फिर से ऐड लेयर में जाएंगे एंड एक इम्पिटी लेयर लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ये बैकग्राउंड ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो ये लोगो है उसको भी यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करके सही जगह मतलब जहाँ पे आप लगाना चाहे वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो इतना सब हो जाने के बाद से, ठीक है, तो अब मैं इनको मर्ज कर देता हूँ एक बार, सॉरी ये फोटो लेयर में चला गया, मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, एंड इसको कर दूँगा मर्ज, एंड इसको मतलब इसको मर्ज करके एक इनकी लेयर बना लेता हूँ मैं। तो ये देखिए पहले मैं इसको भी मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, तो ये इतना हो गया, एंड इसको
फोटो लेयर में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद से एंड फोटो लेयर में जाने के बाद से ये थोड़ा स्नो टाइप का मतलब पीएनजी है, वैसे मैं इसको पार्टिकल्स में यूज़ करूँगा, मतलब जो बल्ब एक पार्टिकल्स उड़ते हैं ना जिस तरह फायर लगती है, तो उस टाइप में हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको पहले ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ये नहीं चाहिए। वैसे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जूम कर दूंगा तो थोड़े कम पार्टिकल्स मेरे फोटो में आएंगी, ठीक है। तो ये हो चुका इतने पे, ठीक है। तो जो मेरे मुंह पे और हैंड के ऊपर जो आ रहा है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ सिंपली। तो यहाँ से इरेजर पे सिलेक्ट करके एंड यहाँ से आप इसको रिमूव कर देना। तो इतना सब हो जाने के बाद से यहाँ पे मैं इसकी ओपासिटी को कम करूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ओपासिटी पे वो थोड़ा बेकार सा लग रहा है, तो मैं इसको ओपासिटी को कम रखूँगा, ठीक है। एंड फिर से यहाँ पे एम्प्टी लेयर में जाएंगे, एंड यहाँ से आपको मतलब जो फायर के छोटे छोटे चिंगारियों टाइप की होती है ना पीएनजी, उसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। एंड इसको मैं राइट कर देता हूँ ये, और यहाँ से इसको भी ट्रांस मतलब इसकी ब्लेंडिंग को पहले स्क्रीन रखेंगे, और स्नो वाली जो थी उसकी भी ब्लेंडिंग को स्क्रीन रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद से इस जो फायर वाली थी उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करके जो ये फायर का है वो भी यहाँ पे इफेक्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये फायर का इफेक्ट भी यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो ये फोटो हमारी फाइनल कुछ इस टाइप की एडिट हो चुकी है। बाकी मैं अपने क्लोथ के ऊपर थोड़ा डस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ऐड फोटो में जाऊँगा, ठीक है। तो ऐड फोटो में आ जाने के बाद से आपको ये पीएनजी मिलेगी, ठीक है। ये मतलब पीएनजी तो नहीं है, एक फोटो है। इसको आपको लेके आना, इसकी ब्लेंडिंग को आपको कर देना है मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाऊँगा एंड इसकी ब्लेंडिंग को मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। एंड इसको अपने पूरे मतलब शर्ट के ऊपर रखूँगा, ठीक है। एंड इरेजर पे जाएंगे, इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, एंड ब्रश पे सेलेक्ट करके हार्डनेस को कम, ठीक है, ओपासिटी को कम करके यहाँ पे सिंपली अपने मतलब शर्ट के ऊपर यहाँ पे इसको ड्रूम बना पेंट करेंगे। तो हल्का हल्का पेंट करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे शर्ट पे हल्का डस्ट दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो इसको राइट कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनल एडिटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद से मैं ड्रॉ टूल में जाऊँगा एंड थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, इस फोटो कर लूँगा सेव। तो फाइनली पिक्सआर्ट में हमारी फोटो कुछ इस टाइप की एडिट हो गई थी, ठीक है। एंड मैंने इसको लाइट रूम में ले जाकर इसकी कलर ग्रेड करके इस फोटो को कुछ इस टाइप का लुक दे दिया था, ठीक है। तो इसके कलर ग्रेड का प्रीसेट भी आपको मतलब डाउनलोड में मिल जाएगा सीधा, आप वहाँ से कट एंड पेस्ट करके अपनी फोटो पे भी यही कलर ग्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो अलग कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मिलेंगे फिर किसी नई फोटो एडिटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।